खरगोन जिले में अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच ने आगामी समय में सरपंच विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले धर्मांतरित लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलकर ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के कई लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। इसके बाद समुदाय ने आगामी समय के चुनाव में उक्त लोगों के आरक्षण को समाप्त करके टिकट न देने की बात कही। इस दौरान जनजाति सुरक्षा मंच के चंद्र सिंह वास्कले ने बताया कि सांसद ने भी उक्त मुद्दे पर सवाल उठाया है और इसी को लेकर हम लामबंद हुए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जनजाति समुदाय का विवेक है, संविधान का स्पष्ट आशय अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के संदर्भ में एक सा प्रावधान करने का है, पर इन अनुच्छेदों के खंड एक के अनुसार पृथक अधिसूचनाएँ जारी करते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में विभेद करने की मांग की। इसके पूर्व 28-29 अगस्त 2009 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें देशभर से 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, परंतु हमारे इतने प्रयासों के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाया। अब हम संपूर्ण जनजाति समाज तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे लिए शिकायत यह है कि अभी आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और विधानसभा लोकसभा चुनाव होना है, तो हमने जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से एक ज्ञापन दिया है कि जो जनजाति समाज के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर जो धर्मांतरित लोग चुनाव नहीं लड़े, इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है। इसका आशय यह है कि जो लोग ईसाई या मुसलमान बन गए हैं जनजाति समाज के, उनको किसी भी चुनाव में दावेदार नहीं बनाया जाए। संविधान अनुच्छेद 341 में जो प्रावधान है अनुसूचित जाति के लिए कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है तो उसका आरक्षण स्वतः निरस्त माना जाएगा, वैसे ही धारा 342 में भी अनुसूचित जनजाति के लिए यह व्यवस्था होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में जैसे सरपंच है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य है, अगर कोई धर्मांतरित व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका आवेदन निरस्त माना जाए। इस तरीके की एक मांग सांसद में हमारे सांसद महोदय के द्वारा भी रखी गई थी, 342 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन को लेकर। जी, माननीय सांसद जी ने भी लोकसभा में इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बात रखी है और हम सब जनजाति समाज के लोग, माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल हमारे लोकप्रिय सांसद जी का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह जो मुद्दा है वास्तव में 1970 में बाबा कार्तिक उराव जी का सपना था, उनका उन्होंने यह अभियान की शुरुआत करी थी कि धारा 342 में संशोधन हो, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? चंद्र सिंह वास्कले, जनजाति सुरक्षा मंच, जिला संयोजक।